सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और इसमें 87.33% छात्र जो है वो पास हुए हैं। 90.68% लड़कियां पास हुई हैं, यानी लड़कियों ने बाजी इस बार भी मारी है, और 84.67% लड़के यहां पर पास हुए हैं। पिछले साल से 5.38% कम छात्र जो है वो इस बार यहां पर पास हुए हैं, और जो 12वीं के नतीजे हैं वो यहां पर सीबीएसई के घोषित किए गए हैं। सौरभ शुक्ला हमारे साथ हैं। सौरभ, बताइए किस तरह के नतीजे रहे पिछले साल के मुकाबले में? देखिए बिल्कुल ताबिश, इस बार का रिजल्ट पिछली बार से ज्यादा बेहतर नहीं रहा है, और फिर कारण भी क्योंकि पिछली बार एक फॉर्मूला बनाया गया था कोविड के चलते, लीनियंट चीजें थी, सिलेबस भी कम किया गया था, लेकिन इस बार रेगुलर क्लासेस हुई हैं और जो है लीनियंसी बरती नहीं गई है बिल्कुल भी। तो इस वजह से एक कारण हो सकता है कि जो पिछली बार से पासिंग परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम है। और आपको बताएं कि इस बार सीबीएसई हमेशा हर बार जो टॉपर्स होते हैं मेरिट लिस्ट भी देती है कि किसने टॉप किया, किस जोन में ज्यादा टॉपर्स हैं, किस जोन में कम टॉपर्स हैं। सीबीएसई ने इस बार वो टॉपर्स की वो मेरिट लिस्ट है वो शेयर नहीं की है। सीबीएसई का कहना है कि जब मेरिट लिस्ट शेयर करते हैं तो एक अनहेल्दी कॉम्पिटिशन हो जाता है, इस वजह से इस बार मेरिट लिस्ट शेयर नहीं की गई है। और जैसे कि हमने बताया कि इस बार ये भी कहा कि छात्र जो है उनके बीच में एक अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता है, और पहले ही बोर्ड ने इस बात का निर्णय ले लिया था कि कोई मेरिट सूची नहीं दी जाएगी, और उन्होंने कहा कि जो बोर्ड है वो अपने छात्रों को प्रथम द्वितीय या तृतीय श्रेणी प्रदान नहीं करता है। तो ये क्या है कि बाद में क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जैसे कि आपने बता दिया है कि हर बार की तरह इस बार भी महिला जो लड़कियां हैं वो आगे रही, और जो अभी तक पता चला है जो साउथ जोन है उसके नतीजे ज्यादा बेहतर रहे हैं बाकी जोन से। तो फिलहाल अगर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एक बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप है पासिंग परसेंटेज में, इस बार पिछले साल की तुलना में कम बच्चों ने कम बच्चे थोड़े पिछले बार की तुलना में पास हुए हैं, लेकिन परसेंटेज सौरभ किस तरह की रही है ज्यादातर बच्चों की, इसको लेके कुछ पता चल पाया ताकि कट ऑफ का थोड़ा अंदाजा बच्चे लगा पाए? देखिए अभी तक बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि हमने बताया कि मेरिट लिस्ट इस बार उनको लगता है कि वो अपने एक अनहेल्दी कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है, लेकिन शायद थोड़ी देर बाद कुछ अपने बच्चों से पता चल पाए, क्योंकि अभी रिजल्ट घोषित किया गया है तो ज्यादातर बच्चे अपने रिजल्ट देख रहे हैं। अभी स्कूल भी सूचित करेंगे, क्योंकि हर बार जो कि हमें पता चला है कि कुछ बच्चों ने 99% के ऊपर भी स्कोर किया, 99.5 भी स्कोर किया, 99.8 भी स्कोर किया है अपने बच्चों ने, तो वो भी पता चलेगा कि कितने ऐसे बच्चे, क्योंकि सीबीएसई ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया इसलिए शुरुआत में ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे जब घंटे जाएंगे तो स्कूल्स हैं वो खुद अपनी मेरिट लिस्ट जाहिर सी बात है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और या केंद्रीय विद्यालय तो नहीं करता है कि अपनी एक सेपरेट लिस्ट जारी करे, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बताने के लिए कि उनकी अच्छी पढ़ाई होती है, उनके रिजल्ट अच्छे हैं, तो अपने अपने तरीके से सूचित करते हैं। लेकिन जो पता चला है वो यही पता चला है कि काफी बच्चे हैं जिन्होंने 99.5 के ऊपर भी स्कोर किया है, 99.8 भी आए हैं बच्चों के, लेकिन अब वो बच्चे कौन से स्कूल के, उनके क्या नाम है, सीबीएसई ने इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी। चलिए, तो सीबीएसई की तरफ से टॉपर कौन है ये फिलहाल नहीं बताया गया, जो नतीजे हैं वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। सौरभ शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए।